भारत के भूगोल में आज हम भारतीय नदियों के संदर्भ में गंगा नदी तंत्र के संबंध में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में गंगा नदी तंत्र के संबंध में विशिष्ट जानकारी प्रदान की गई है और साथ ही 15 MCQ क्वेश्चंस भी हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित रूप से विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होंगे। हम शुरुआत करते हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है और भारत की जितनी भी बड़ी नदियां हैं उन सभी बड़ी नदियों में उनके बेसिन के संदर्भ में भी गंगा नदी का बेसिन भारत का सबसे बड़ा बेसिन है। भारत में बहने वाली नदियों में गंगा नदी प्रमुख है। तिब्बत के इस पठार से विभिन्न नदियों का उद्गम माना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और उत्तराखंड से गंगा नदी का उद्गम प्रमुख है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से होता है और गंगा नदी हरिद्वार के पास आकर यहाँ से तराई में नीचे उत्तर प्रदेश की ओर आती है और इसके साथ यमुना नदी का संगम होता है। यमुना नदी साथ में चंबल बेतवा का पानी भी लाती है और इलाहाबाद में ये दोनों नदियाँ मिलती हैं। उसके आगे ये नदी बिहार की ओर बहती हुई पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा नदी के दाहिनी ओर से आने वाली नदियां हैं यमुना, चंबल, बेतवा, सोन, दामोदर और दाई ओर से आने वाली नदियां हैं घाघरा, गंडक, कोसी। ये दाहिनी ओर से आती हैं और बाद में ब्रह्मपुत्र नदी भी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है और ये भी गंगा नदी से मिलती है और अपनी धारा को बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अब हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। गंगा नदी का उद्गम स्थल है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? यमुनोत्री, गंगोत्री, कैलाश मानसरोवर, रोहतांग दर्रा। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर है गंगोत्री। गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम होता है। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। देवप्रयाग नामक एक स्थान है जो उत्तराखंड में है। यहाँ भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियों के संगम के बाद गंगा नदी के नाम से यह नदी जानी जाती है। और दूसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित नदियों में से कौन सी नदी सबसे पहले गंगा नदी से मिलती है? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? सोन नदी, चंबल नदी, यमुना नदी या गंडक नदी? इसका सही आंसर है यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी नदी दक्षिण पठार से आकर सीधे ही गंगा नदी से मिलती है? सोन नदी, चंबल नदी, यमुना नदी और गंडक नदी, बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है सोन नदी। अमरकंटक की पहाड़ियों से जो मध्य प्रदेश में स्थित है, इन पहाड़ियों से दो प्रमुख नदियां निकलती हैं। एक तो सोन नदी उत्तर दिशा की ओर जाती है और दूसरी नर्मदा नदी पश्चिम दिशा की ओर जाती है। नर्मदा नदी खंपात की खाड़ी में यानी कि अरब सागर में गिरती है और सोन नदी गंगा नदी से मिलती है और बाद में ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से आकर गंगा नदी से मिलती है? सोन नदी, घाघरा नदी, बराक नदी और दामोदर नदी, इसका सही आंसर बताएं क्या होगा? इसका सही आंसर है
दामोदर नदी। दामोदर नदी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। दामोदर घाटी परियोजना प्रमुख परियोजना रही है और यह नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और गंगा नदी में आके मिलती है। अब हम देखेंगे कि कौन सी एक गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। वैन गंगा, बागमती, कोसी या रामगंगा? इसका सही आंसर बताएं आप। इसका सही आंसर है वैन गंगा। वैन गंगा गोदावरी की सहायक नदी है। अब हम देखें गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, चंबल, काली सिंध, बेतवा, सोन, रिहंद, दामोदर और बनास, ये सभी नदियाँ गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। छठा क्वेश्चन है, गंगा नदी के बाएं तट की मुख्य सहायक नदियाँ पश्चिम से पूर्व का सही क्रम क्या है? इसका सही क्रम बताएं क्या है? इसका सही क्रम है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानदा। सातवां क्वेश्चन है, गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक किस राज्य में है? बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक लंबी है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये ज्यादा लंबी है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? बताएं, जमुना, बराक, पद्मा, मेघना, बताएं इसका क्या आंसर सही होगा? इसका सही आंसर है पद्मा। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। नौवां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक कथन असत्य है? फरक्का बांध गंगा नदी पर है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में सुंदरवन पाया जाता है, गंगा नदी अरब सागर में गिरती है। तो इसमें ये बात असत्य है, गंगा नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, पश्चिम बंगाल में गिरती है। फरक्का बांध गंगा नदी पर है, ये बात सत्य है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये बात भी सही है। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में सुंदर वन पाया जाता है, ये सुंदर वन सुंदरी वृक्ष की प्रधानता के कारण कहा जाता है। अर्थात सुंदरी वन कहाँ पर हैं? तो सुंदरी वन गंगा नदी के डेल्टा में पाए जाते हैं। दसवां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस नदी को विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहते हैं? बताएं इसका सही आंसर, दामोदर, कोसी, गंगा, हुगली। इसका सही आंसर है हुगली नदी को, हाँ, विश्वासघाती नदी कहा जाता है। हुगली नदी के किनारे ही कोलकाता है। कोलकाता पूर्वी भारत का एक प्रमुख बंदरगाह है और यह हुगली नदी के किनारे स्थित है। दसवां क्वेश्चन है, ग्यारहवां क्वेश्चन है, कोलकाता जिसे पूर्व का लंदन भी कहते हैं किस नदी के किनारे स्थित है? अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था आपको कि यह हुगली नदी के किनारे स्थित है। बारहवां क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है, उत्तराखंड में है, या हिमाचल में है, या फिर पंजाब में है? बताएं सही आंसर इसका क्या होगा? यमुना नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड में है। यमुनोत्री से यमुना नदी का उद्गम होता है। यह भी उत्तर भारत की प्रमुख नदी है। चौदह क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी।
बेसिन का मतलब होता है बहुत बड़ा एक क्षेत्र होता है जहाँ से नदी को जल की उपलब्धता होती है। तो गंगा नदी का बेसिन सबसे बड़ा है। निम्नांकित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को, कोसी नदी को या फिर गंडक नदी को? इसका सही आंसर है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है।